पिछले क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मीडियन पढ़ा था। आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं जिसका नाम है मोड यानी बहुलांक। मोड वह होता है यानी वह वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो यानी या वह मान है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो, उसको कहा जाता है बहुलांक यानी मोड। इसको हम बहुत ही आसान एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे 6 6 दो बार, 7 एक बार, 9 चार बार, 1 2 3 4, 10 एक बार, 11 एक बार और 15 एक बार। यहाँ पर हमको देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ यानी किस संख्या की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई। हम देखेंगे 6 दो बार आया, 7 एक बार और 9 चार बार आया, 10 एक बार, 11 एक बार और 15 एक बार। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि 9 नंबर की पुनरावृत्ति 4 बार हुई जो कि सबसे अधिक है। तो हमारा मोड क्या होगा? 9 होगा क्योंकि 9 की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है हमारा 9। तो ये था हमारे अव्यवस्थित आंकड़े यानी अनग्रुप डेटा का मोड निकालने का तरीका। कभी कभी हमारा डेटा व्यवस्थित ढंग से दिया जाता है यानी ग्रुप में दिया जाता है, तो जब हम ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालेंगे उसका थोड़ा सा तरीका अलग होगा जो इस प्रकार है। उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो होगा MO इक्वल्स टू L प्लस विद इन ब्रैकेट F-F1 अपॉन विद इन ब्रैकेट F-F1 प्लस विद इन ब्रैकेट F-F2 और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको CI से यानी क्लास इंटरवल से। यह है फॉर्मूला। अब देखते हैं ये जो हमने लिखा है कि MO, यहाँ पर MO क्या होगा? MO जो है हमारा उसका मतलब है मोड, उसको MO से डिनोट किया गया है, मोड यानी बहुलांक। नेक्स्ट है L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी उस वर्गांतर की सबसे निम्नतम सीमा, सबसे लोअर लिमिट जिसमें आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसी की संख्या सबसे अधिक है यानी वह क्लास इंटरवल जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो कहलाया जाएगा L। नेक्स्ट है f, ये है तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें आवृत्तियों की संख्या सबसे अधिक है यानी वह क्लास इंटरवल जिसमें फ्रीक्वेंसी का नंबर सबसे ज़्यादा है वो है हमारा F। फिर है हमारा F1, यहाँ पर F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, प्री का मतलब होता है पहले यानी मॉडल क्लास से F से पहले वाली फ्रीक्वेंसी वो कहलाई जाती है प्री मॉडल क्लास। ठीक है, यानी सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक नीचे वाली वर्गांतर की आवृत्ति यानी जिसमें हमारी आवृत्तियों की संख्या जिस वर्गांतर यानी जिस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी की संख्या सबसे अधिक है उसके ठीक नीचे वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी वो होगी हमारी F1। ठीक है, नेक्स्ट देखें F2, ये देख रखा है। F2 क्या हो है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, पोस्ट का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है, यानी सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक ऊपर वाले वर्गांतर की आवृत्ति यानी
उस क्लास इंटरवल जहाँ सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी कहलाई जाती है पोस्ट मॉडल क्लास। नेक्स्ट है सी आई, क्लास इंटरवल यानी वर्ग विस्तार, ठीक है, यानी लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। अब हमको जब ग्रुप डेटा का मोड निकालना है तो उसके लिए मैं साल सा एग्जांपल ले लेते हैं जो इस प्रकार है। जो हमारा बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर आएगा मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का, उसमें जो एग्जांपल जो तुम्हारे क्वेश्चंस दिए रहेंगे वो ठीक इसी तरह से दिए रहेंगे। इसी तरह से जो है दो रोज़ दी जाएगी, ऊपर क्लास इंटरवल, नीचे फ्रीक्वेंसी दिया जाएगा। क्लास इंटरवल इसी तरह से होगा 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39 और 40 से 44। उसके नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, जैसे यहाँ पर दिया रखा है 2, 8, 6, 12, 7, 6, 4। हमें करना क्या होगा, सबसे पहले एक टेबल फॉर्म करनी होगी जो इस तरह से होगी। एक तरफ हम क्लास इंटरवल लिखेंगे यानी वर्गांतर, और दूसरी तरफ हम फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो इस तरफ, और क्लास इंटरवल जो दे रखा है वो इस तरफ लिखेंगे। इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है यानी घटते हुए क्रम में। देखेंगे 40 से 44 हमने ऊपर सबसे पहले लिखा है, 35 से 39 उसके नीचे, फिर 30 से 34, 25 से 29 और उसी तरह से जो सबसे पहला दे रखा था उसको हमने सबसे आखिरी में रखा है, सबसे नीचे रखा है 10 से 14। ठीक उसी के सामने हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख रखी है 4, 6, 4, 6 जैसे दे रखा है, 7, 12, 6, 8 और 2। आप इस क्वेश्चन को ठीक इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने लिखा हुआ है, घटते हुए क्रम में आपको ऐसे ही लिखना है। इसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे। अब हम जैसे कि फॉर्मूला में देख रहे हैं, सबसे पहले हम मॉडल क्लास ढूंढेंगे यानी एफ ढूंढेंगे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। यानी देखें जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, उस वर्गांतर की आवृत्ति जिसमें आवृत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसमें देखेंगे सबसे अधिक आवृत्ति, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है वो है हमारी 12। तो ये हो गया हमारा एफ, स्मॉल एफ, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, अब हमको ढूंढना है एफ वन यानी प्री मॉडल क्लास, यानी सबसे बड़े, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के ठीक नीचे वाली, वो कहलाई जाती है हमारी प्री मॉडल क्लास, वो होती है हमारी प्री मॉडल क्लास। देखेंगे एफ वन सबसे अधिक आवृत्तियों वाले वर्गांतर के ठीक नीचे वाले वर्गांतर की आवृत्ति, यानी सबसे बड़े, सबसे बड़ा वर्गांतर यानी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है, उसके ठीक नीचे वाली 6 है जिसको हम लोग कह देते हैं एफ वन, यानी ये हो गया हमारा प्री मॉडल क्लास। ठीक है, अब हमको एफ टू निकालना है। एफ टू क्या है कि सबसे बड़े जो फ्रीक्वेंसी है उसके सब ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी वो कहलाई जाती है एफ टू, जिसको हम लोग कहते हैं पोस्ट मॉडल क्लास। ठीक है, एफ टू फ्रीक्वेंसी ऑफ पोस्ट मॉडल क्लास, यानी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाले क्लास इंटरवल के ठीक ऊपर वाले क्लास इंटरवल की आवृत्ति। ठीक है, तो हमारा एफ कौन सा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी एफ जो कि है 12, उसके ठीक नीचे वाली वो है हमारी प्री मॉडल क्लास वो है 6, और उसके ऊपर वाली वो पोस्ट मॉडल क्लास कहलाई जाती है वो होती है हमारी एफ टू। अब हमको जो निकालना है वो है क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या होगा, यानी इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 25,
26, 27, 28, 29, यानी क्लास इंटरवल हमारा कितना होगा? 5। अब एक और चीज़ रह गई है, वो है हमारी L निकालना। L क्या होता है? यानी लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी उस वर्गांतर की सबसे निम्नतम सीमा जिसमें आवृत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। यानी जहाँ पर हमारे क्लास इंटरवल में सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी पाई जाएगी वही होगा हमारा L। तो यहाँ पर सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 12। तो उसके सामने वाला हम देखेंगे 25 से 29 जो क्लास इंटरवल दिया गया है वही है हमारा L। तो लोअर लिमिट कौन सी हुई? यहाँ पर हुई 25। अब जब 25 को हम L नहीं लिखेंगे, इसमें से हम 0.5 माइनस करेंगे, जैसा कि हमने मीडियन निकालते वक्त भी किया था, यहाँ पर भी वही करेंगे। 25 लोअर लिमिट हमें निकालनी है क्योंकि इसमें से 0.5 माइनस करें, तो ये हो जाएगा हमारा 24.5। यानी L जो है हमारा 24.5 होगा, ना कि 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? L मिलेगा। तो अब कैसे लिखेंगे? L इक्वल्स टू 24.5, F इक्वल्स टू 12, F1 इक्वल्स टू 6, F2 7, क्लास इंटरवल हमने बताया था, इनका डिफरेंस देखेंगे कितने का है? 5 का है, 25 भी जोड़ेंगे इसलिए हमारा इसका डिफरेंस होगा 5। अब हमको सिर्फ फॉर्मूले में इसको पुट कर देना है। MO से डिनोट किया जाता है मोड को। L है 24.5 प्लस विद इन ब्रैकेट F कितना है? 12, F1 माइनस 6 अपॉन F, फिर से लिखेंगे 12, फिर माइनस 6 प्लस फिर से F 12 माइनस F2 7 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाय कितना है क्लास इंटरवल? 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करके हमारा इतना आएगा। तो अगर हम और सॉल्व करेंगे तो 24.5 6 को 5 से गुणा कर देंगे तो 30 हो जाएगा अपॉन 11। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये निकल कर आता है 24.5 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.73 आएगा। तो 24.5 में हम 2.73 जोड़ देंगे तो हमारा मोड हो जाएगा हमारा 27.23। ये होगा हमारा आंसर। स्टूडेंट्स, आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।